नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे टेक्नोलॉज पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये एक नए इंडिकेटर पे है जिसका नाम है डोंचियन चैनल। और इस डोंचियन चैनल को आप हेकेनेशिक कैंडल स्टिक के साथ कैसे यूज़ करके एक इंट्राडे अच्छा इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, इसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए हर एक वीडियो के राइट बॉटम कॉर्नर पे देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, जस्ट क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको अपडेट्स वीडियोस जल्दी मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ाता हूँ। तो पहले आपको डोंचियन चैनल के सेटिंग्स के बारे में बोलता हूँ, ठीक है। आप डोंचियन चैनल इंडिकेटर जो है इसको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सेट कर ली, और जिसका सेटिंग है हाई पीरियड आप 100 रखिए, लो 100 रखिए, ठीक है। और हेकेनेशी कैंडल स्टिक चार्ट लीजिए, और एक मिनट का मतलब कैंडल स्टिक का जो टाइम फ्रेम है वो एक मिनट का लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। मैंने हिंडालको पे आपको दिखाया है ये वाला एक एग्जांपल के साथ। मैं 11 तारीख को जाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, इसमें ये डोंचियन चैनल में दोस्तों तीन बैंड है, अपर बैंड, लोअर बैंड और मीडियम बैंड। अपर बैंड क्या करता है दोस्तों, जो स्टॉक प्राइस की जो रेजिस्टेंस लेवल है मतलब हाई प्राइस, ठीक है, उसको इंडिकेट करते हैं। और लोअर बैंड क्या करता है, जो सपोर्ट लेवल है मतलब बॉटम लो प्राइस की जो सपोर्ट लेवल है वो शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और ये मूव होते रहता है, ये हाई और लो स्टॉक के साथ मूव होते रहता है। ये जो मैंने सेटिंग लिए हैं 100 पीरियड के, उस हिसाब से वो आपको कंटिन्यूसली ये शो करता रहेगा कि ये स्टॉक के सपोर्ट क्या बन रहे हैं और रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं। तो उससे आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, ये साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग में एंटर और एग्जिट करने के लिए। तो और मीडियम लाइन का यूज़ क्या है दोस्तों, आप मीडियम जो डोंचियन चैनल के जो मीडियम बैंड है, इससे आप ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपके स्टॉक मीडियम लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर मीडियम बैंड के अगर ऊपर आपके स्टॉक हैं और वहीं ऊपर ही मूव कर रहा है, तो आप ये प्रेडिक्ट कर लीजिए कि आपके स्टॉक अप ट्रेंड में है, बुलिशनेस में है, ठीक है। तो ये देखिए 11 तारीख को ये मीडियम बैंड को, जो डोंचियन चैनल के जो मीडियम बैंड है इसको क्रॉस करके नीचे आया है, उसके बाद दो तीन कैंडल बनाए जो नीचे वो बन रहे हैं। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपके जो स्टॉक है वो अब डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो आप एक सेल कॉल कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल बने हैं दो छोटा छोटा, उसके बाद जो रेड कैंडल बने उस पर आप शॉर्ट सेल कर दीजिए, ठीक है। और आप जो इसके जो अपर बैंड है, इस अपर बैंड को आप स्टॉप लॉस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अपर बैंड से आप कुछ थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के भी रख सकते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल शो कर रहा है। तो ये बेस्ट वे है, ये भी मतलब एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए। क्या कभी कभी होता है कि पता नहीं चलता है कि स्टॉप लॉस लगाए तो लगाए कहाँ, ठीक है। लेकिन इससे आप एक अच्छा स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं इस इंडिकेटर से, डोंचियन चैनल से, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ऑलरेडी उसका वो रेजिस्टेंस है। अगर वो उसको तोड़ेगा तभी जाके ऊपर जाएगा, इसीलिए आप इसको स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं इसको यूज़ करके, ठीक है। तो आप देखिए इसका मूवमेंट देखिए, या तो आप इनिशियली यहीं पर शॉर्ट सेल कीजिए, या अगर आप थोड़ा वॉच करना चाहते हैं कि इस स्टॉक को, कि मैं देखता हूँ आधा घंटा कि ये कैसे मूव करता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि वो डाउन जाके फिर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा वॉच भी कर सकते हैं, तो थोड़ा वॉच कीजिए आप, देखिए आप मान लीजिए कि आप अभी तक इसमें एंट्री नहीं किए, तो आप थोड़ा वॉच कीजिए, देखिए क्या होता है। अभी तक ये डाउन ट्रेंड में है, ये मिडिल बैंड को क्रॉस नहीं किया है, और यहाँ देखिए ये 230.7 पे एक सपोर्ट भी बना रहा है। मतलब ये उम्मीद भी है कि भाई ये सपोर्ट बना रहा है, और कंटिन्यूस लगभग यहाँ से देखिए 9:30 से 10 बजे तक, मतलब आधा घंटा हो गया, ये सपोर्ट कभी तक तोड़ा नहीं है।
तो डेफिनेटली एक चांस भी है कि भाई ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जो है, ये दो मीडियम बैंड और लो बैंड, इस दोनों का बैंड का बीच में ही आपके स्टॉक मूव कर रहे हैं, मतलब एक क्या बोलते हैं, रेंज बाउंड जोन में आ गए हैं। तो ये इस चीज़ से आप मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारीकी से आप स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं कि कब कौन सा टाइम में कितना देर मेरा स्टॉक रेंज बाउंड है, कब मेरा स्टॉक ब्रेकआउट करके या ब्रेक डाउन करके अप या डाउन जा रहा है, ठीक है। ये देखिए अभी तक ये रेंज बाउंड जोन में है, अभी तक इसमें कुछ मूवमेंट नहीं आया है, ठीक है। तब वॉच कीजिए, अब देखिए अचानक डॉनचेन चैनल अपना जो मूवमेंट है, मूवमेंट देखा है वो क्या किया, अपना लेवल्स को कम किया, क्योंकि वो इतना देर रेंज बाउंड था, तो उस रेंज बाउंड के हिसाब से वो अपना कैलकुलेट करके अपना अपर बैंड, लोअर बैंड और मीडियम बैंड को चेंज किया, ठीक है। उसके हिसाब से आपको सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल चेंज हो गया। अब देखिए ये क्या हुआ, ये मिडिल बैंड को क्रॉस करके ऊपर जा रहा था, तो आप ये उम्मीद कर सकते थे कि भाई 230.7 पे मेरा ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ था, जो आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, तोड़ा नहीं है, और ऑलरेडी मिडिल को क्रॉस करके ये ऊपर जा रहा है, तो क्या मेरा स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ गया है, ये एज्यूम आप कर सकते थे। लेकिन आप थोड़ा वॉच कीजिए, जब भी वो क्रॉस किया आप थोड़ा वॉच कीजिए कि वो अपना ये जो मूवमेंट है इसको कंटिन्यूअस कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन अचानक देखिए वो क्या हुआ, वो फिर से क्रॉस करके डॉनचेन चैनल का नीचे आ गया, ठीक है। एक बार देखिए, ये पहला वाला जो कैंडल बना था इसमें ये डॉनचेन चैनल को क्रॉस करके नीचे आया, सेकेंड बार भी ये इतना बजे, मतलब लगभग 11:07 को डॉनचेन चैनल को क्रॉस करके नीचे आया, ठीक है। तो आप थोड़ा और वॉच कीजिए, आप ये देखिए ये तीनों कैंडल ग्रीन जो बन रहे हैं, उसके बाद जो रेड बने हैं आप इस पे शॉर्ट सेल कर दीजिए, क्योंकि आपके जो स्टॉक है वो डॉनचेन चैनल के नीचे हैं, पहले भी था और अभी भी है, तो आप डेफिनेटली ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं 70% कि आपकी जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कीजिए, आपकी देखिए मूवमेंट, देखिए वो डाउन ट्रेंड ही जा रहे हैं, और आप तब तक इसको मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक मतलब वो स्टॉक का मूवमेंट अपना डाउन ट्रेंड से चेंज करके अप ट्रेंड ना हो जाए। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डॉनचेन चैनल मिडिल जो बैंड थे उसको टच तो किया लेकिन उसको क्रॉस नहीं किया, तो आप जब तक नहीं क्रॉस करेगा तब तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए कहाँ क्रॉस करता है, कौन से जगह में, यहाँ पर भी देखिए एक कैंडल इसको टच किया बट क्रॉस नहीं किया, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये टच तो किया बट क्रॉस नहीं किया, ठीक है, तो आप देखिए क्रॉस कहाँ करता है, यहाँ भी टच तो किया बट क्रॉस नहीं किया, तो मतलब अल्टीमेटली ये जो लास्ट तक देखिए क्रॉस ही नहीं किया, मतलब आप पूरे दिन उसको रख सकते थे, आप पूरे दिन उसको रख सकते थे, मतलब आपका तो प्रॉफिट लेवल देखिए आप क्या हो जाता आपका, अगर आप यहाँ शॉर्ट सेल करते हैं सपोज 232 रुपया पे, ठीक है। देखिए अगर कहीं सपोर्ट बन रहा है, बड़ा सपोर्ट, तब वहाँ भी उसको सेल करके निकल सकते थे अपना प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि आप मान लीजिए ये एज्यूम नहीं कर पा रहे कि क्या होगा, ये स्टॉक क्या ऊपर जाएगा और मतलब अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा या ऊपर चला जाएगा, अगर आप एज्यूम नहीं कर पा रहे तो सिंपल सा बात है, आप जहाँ पर वो सपोर्ट बना रहा है अपना, जैसे यहाँ सपोर्ट बना रहा है, आप उस जगह में उसको बेच के चले, मतलब अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, आपको रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर आप लास्ट तक इसको रखते हैं तो इसका देखिए, और लगभग आप अगर यहाँ भी इसको बेच देते, मतलब 222, 232 से 222, 10 रुपये का प्रॉफिट, 10 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिलता, ठीक है, अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करके ट्रेडिंग लेते तो, ठीक है। और एक दिन का आपको दिखाता हूँ, चलिए 10 तारीख का दिखाता हूँ,
ये देखिए 10 तारीख में भी क्या हुआ दोस्तों, डॉनचेन ये देखिए पहला दो कैंडल तो ग्रीन बना, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूस रेड कैंडल बना और इसको क्रॉस किया। क्रॉस करके ये देखिए ये जो कैंडल बना ये वाला, ये डॉनचेन चैनल के नीचे बना। तो आप यहाँ सेल कर सकते थे शॉर्ट सेल, कि मैं शॉर्ट सेल कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस है आप इस हाई के ऊपर भी रख सकते थे, या आप इस डॉनचे चैनल के जो अपर बैंड है उसके ऊपर भी रख सकते थे। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों आपको ये सब बताने के लिए, इसी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, आपका सपोर्ट कहाँ बन रहे हैं, आपका रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कोई लाइन खींचना नहीं पड़ेगा इसके लिए, ये कंटिन्यूअस अपना मूवमेंट करता रहेगा और आपको एक अच्छा रेंज भी देते रहेगा। तो आप यहाँ मान लीजिए अगर शॉर्ट सेल कर देते इसको, ठीक है, तो आप वॉच कीजिए ये कब मिडिल बैंड को आपको क्रॉस कर रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए ये इस सपोर्ट को क्रॉस करके नीचे तो आया, लेकिन अपना डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यू कर नहीं पाया। वो इसमें देखिए वॉल्यूम को देखिए, ये बाइंग हो रहे, मतलब अच्छा बाइंग हो रहे थे इस वॉल्यूम में, मतलब इस स्टॉक में, तो ये अपना ट्रेंड को चेंज कर लिया, मतलब ये मिडिल बैंड को क्रॉस करके ऊपर चला गया। तो आप यहाँ बेच के निकल सकते थे इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आप बेच के निकल सकते थे जो आप शॉर्ट सेल पहले किए थे। अगर आप अभी वॉच कीजिए कि ये मेरा लॉन्ग जो टर्म, मतलब बुलिशनेस जो इसमें आया है इस स्टॉक में, ये क्या कंटिन्यू है। आप एक दो कैंडल और वॉच कीजिए, ठीक है। आप ये वाला कैंडल देखिए कि इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी दिख रहा है आपको और प्राइस का मूवमेंट भी हुआ, मतलब इसमें बाइंग हो रहे हैं अभी। तो आप ये कैंडल, इसके बाद वाला कैंडल पे ही आप ये कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। और बाय करके आप देखिए कि कब आपके डॉनचेन चैनल को, मिडिल बैंड को टच करता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस बना रहा है, ये वाला जो हाई कैंडल बना था 11:20 में, इसके बाद और ये ऊपर कैंडल बन नहीं रहा है, मतलब यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है 244.8 पे, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यूस डाउन हो रहा है, ये कंटिन्यूस डाउन हो रही है, जो ग्रीन कैंडल बन रहे हैं उसके बाद रेड कैंडल बन रहे हैं, ये कंटिन्यूस डाउन हो रहे हैं। तो आप यहाँ भी अपने स्टॉक को बेच के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे, या आप वॉच कीजिए कब तक आपके जो स्टॉक है वो मिडिल बैंड को क्रॉस नहीं करते। तो आप ये कंटिन्यूस देखिए, ये रेंज बाउंड में नहीं, ये कंटिन्यूस डाउन हो रहे हैं। तो आप यहाँ एक प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं कि ये अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो हमें बेच के निकल जाओ अपना प्रॉफिट बुक करके, नहीं तो आप फॉलो कीजिए इसी ये डॉनचेन चैनल को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही वो क्रॉस कर गया, ठीक है। तो आप जस्ट इस जगह में बेच के निकल जाइए, और अगर फिर आप दो तीन कैंडल और वॉच कीजिए कि ये क्या कंटिन्यू कर रहा अपना ट्रेंड को, जो डाउन ट्रेंड फिर से बनाए, वो इसको रेजिस्टेंस लेवल बना के जो फिर से वो डाउन ट्रेंड बनाए उसको क्या कंटिन्यू कर रहा है। दो तीन कैंडल और देखिए, देखिए रेड कैंडल बन रहे, दो तीन अच्छा रेड कैंडल बन रहे, तो आप वहाँ शॉर्ट सेल कर दीजिए फिर से, देखिए फिर क्या होता है। और तब तक नहीं बेचिए जब तक ये आपके क्रॉस नहीं कर रहे, या आपको लग रहा है कि मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, तो आप निकल जाइए। आपको जिस जैसे सुविधा, आप जैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे रखेंगे, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए। या आप फुल्ली इस रॉन्चेन चैनल को फॉलो करना चाहेंगे तो इसको कीजिए, कि ये जब तक मुझे इंडिकेट नहीं करेगा कि आप अभी बेच दो तो आप नहीं बेचेंगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कंटिन्यूअस ये कब अप जाता है, ये देखिए दोस्तों, तब यहाँ बेच दीजिए इसको। तब मतलब आप जितने भी ट्रेड लिए हैं, आप बाइंग एंड सेलिंग सब में आप प्रॉफिट रहे हैं। ये जो 10 तारीख का जो चार्ट पैटर्न है, इस पे आप जितने बार भी बाइंग और सेलिंग किए हैं सब में, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ही सेल किए होते हैं, ठीक है, लगभग इस जगह पे 238.7 पे अगर सेल किए होते, और लगभग 2 अगर आपको बाई की होते, ठीक है सर, 237.9, मतलब लगभग 0.9 मतलब लगभग 1 रुपया, 1 रुपये का आपका प्रॉफिट यहाँ होता है। फिर अगर आप यहाँ इसको बाई किए होते, लगभग इस जगह में बाई किए होते, 238.7 पर अगर बाई किए होते,
तो आप लगभग, अगर आप सिर्फ डॉनचेन चैनल को फॉलो करते हैं तो आप देखिए कितना, तो आप यहाँ देखिए इस जगह में 242.4, मतलब 238, 242, मतलब लगभग 4 पॉइंट के, 4 रुपये के और प्रॉफिट मिल गए। अगर फिर आप यहाँ अगर सेल किए होते हैं उसको, शॉर्ट सेल किए होते हैं लगभग, आप अगर यहाँ पर मान लीजिए 242 पे ही, 242 पर अगर शॉर्ट सेल किए होते हैं तो आप लास्ट तक देखिए, टू थर्टी एट, मतलब और 4 पॉइंट। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज करके प्रॉफिट कर सकते हैं, मतलब एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों, जिससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी शो करते हैं। तो आप इसको यूज़ कीजिए, आप उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ट्रेडिंग में। तो थैंक यू दोस्तों मेरे इस पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और मेरे प्लेलिस्ट में मेरे बाकी सब वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वो सब वीडियोस भी देखिए, उससे भी आपको बहुत सारे कुछ जानने को मिलेंगे, बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे शेयर मार्केट पे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अगेन, और मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।